नमस्कार, मैं एस चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये टाइम एंड वर्क का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। इससे पहले क्षमता पर आधारित क्वेश्चन बताया था। आज भी क्षमता पर आधारित कुछ क्वेश्चन रह गया था पिछले वीडियो में, उसको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए की क्षमता, क्वेश्चन ये है कि ए की क्षमता 20 दुगुनी है। ए की क्षमता 20 दुगुनी है। ए की क्षमता देखिए कि ये 20 दुगुनी है। ए की क्षमता 20 दुगुनी है। कहता किसी कार्य को पूरा करने में ए 20-40 दिन कम समय लेता है। ए जो है 20-40 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ से देखिए, ये एफिशिएंसी हो गया। यहाँ एफिशिएंसी कहता है एक कार्य क्षमता 20 दुगुनी है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जिसके बारे में हमको पता नहीं रहेगा उसको आप कुछ मान लीजिए। ए की कार्य क्षमता 20 दुगुनी है, इसका मतलब बी एक होगा तो ये कितना हो जाता? 2 हो जाता। ए का क्षमता 2 हो गया एफिशिएंसी, और बी का कितना हो गया? 1 हो गया। कहता है अब ए 20-40 दिन कम समय लेता है। यहाँ से अगर आप टाइम का रेशियो निकाल लेते तो ये उलट जाता, एक अनुपात कितना आ जाता? 2। कहता है ए 20-40 दिन कम समय लेता है। यहाँ देखिए, ए 20 कितना दिन कम समय लेता है? 1 दिन लेता है। आप चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते, एक का वैल्यू 40 हो गया तो 2 का वैल्यू 80, 1 का वैल्यू 40, तब दोनों मिलकर निकाल लेते। नहीं तो आप क्या कीजिए, किसी एक का, यहाँ से हम ए का समय निकाल लेते हैं, ए का समय निकालते तो 1 से गुना कर देते, ए का समय निकालते तो 1 कितना दिन लग जाता? 40 दिन लग जाता, 40 दिन लग जाता। अब कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करता? ए प्लस बी मिलकर। आप यहाँ से देखिए, ए किसी काम को अगर 40 दिन में समाप्त करता, अगर एक एक दिन की क्षमता 2 है तो 40 दिन में इसका मतलब 40 दुनी 80 काम क्या होगा? तो टोटल वर्क आप निकाल लेते तो 40 गुने ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब कहता दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करता? दोनों मिलकर, तो यहाँ से देखिए कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि टोटल वर्क में आप अगर क्षमता से भाग दीजिएगा तो समय निकल जाएगा। तो कहता ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करता? तो एक क्षमता 2 हो गया, बी क्षमता 1, तो दोनों मिला के इसका क्षमता कितना हो गया? 3 हो गया। इसको हल कर लेते हैं तो कितना हो जाता? 80/3। इसको हल कर देते 26.2/3 दिन आ जाता। इसको एक बार और बता देता हूँ। कहता है कि ए की कार्य क्षमता 20 दुगुनी है, जिसके बारे में पता नहीं रहेगा उसको आप कुछ मान लीजिए। हम बी के बारे में पता नहीं है, बी के 1 मान लिए, इसका 2 गुना 2 हो गया, ये क्षमता दे दिया। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर क्षमता दिया रहेगा, 2 को अगर दिया रहेगा तो उलट दीजिएगा, नहीं तो 3 को दिया रहेगा तो उसका बता चुके हैं वीडियो में, ये क्षमता उलट दिए, समय हो गया। अब कहता ए 20-40 दिन कम समय लेता। देखिए, एक एक दिन समय लगता है, बी 2 दिन समय लगता है, इसका मतलब कितना दिन कम समय लेता है? 1 दिन कम समय लेता है। आप चाहते हैं तो यहाँ से बी निकाल लेते, एक निकाल लेते, ऐसे भी निकल जाता। हम क्या कि एक एक कितना समय लगा? 1 40 दिन लगा। ए पूरा काम अगर 40 दिन में करता, 1 दिन में 2 क्षमता है, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाता? 40 गुने 2। आ जब टोटल वर्क निकल गया तो टोटल वर्क में आप क्षमता से अगर भाग देते तो दोनों मिलकर कहता है 2 1 कितना हो गया? 3 से इसको भाग देते तो 80/3 कितना आ गया? 3 आ गया। इसको कर देते 26 78, ये 26.2/3 कितना दिन आ जाता? 3 दिन। आप चाहते तो यहाँ से बीक समय भी निकाल लेते, आप चाहते हैं यहाँ से ए नहीं निकाल के बी के समय निकालते, 2 से गुना करते 80 हो जाता। अब देखिए, टोटल काम बी 80 दिन में करता, 1 दिन में 1 काम करता, 80 दिन में टोटल वर्क कितना हो जाता? 80 गुने 1 हो जाता। और फिर दोनों मिलकर क्षमता करता, 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। इतना समझ गए होंगे। इस टाइप का एक और क्वेश्चन बताता हूँ। इसी क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन देखिए, कहता है ए की कार्य क्षमता 20 4 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 4 गुनी है, जिसके बारे में पता नहीं रहेगा उसको मान लेते, तो बी के बारे में पता नहीं है तो बी 1 मान लिए, इसका 4 गुना 4 हो गया, समय आप उलट देते हैं तो 1 अनुपात कितना हो गया? 4। क्वेश्चन ये कहता है यदि ए 20 27 दिन कम समय लेता है,
यदि ए 20 27 दिन, यहाँ देखिए कितना दिन कम समय लेता है, 3 दिन लेता है, इसी 3 का वैल्यू 27 हो गया, तो 3 से इसको भाग दे दिए, या आप ऐसे करते 3 के वैल्यू 27, 1 के वैल्यू 9, कहता ए 20 27 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता, तो बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी यहाँ से डायरेक्ट आप इसको काट देते हैं, तो कितना दिन हो जाता बी, 36 दिन में हो जाता। इसी क्वेश्चन में ए अगर पूछता, इसी क्वेश्चन में ए पूछता, तो यहाँ से 27/3 और 1 पूछा है, तो इसको काट देते कितना हो जाता, ए कितना दिन समय लेता, 9 दिन समय लेता। एक बार और बता देता हूँ, कहता है क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता 20 4 गुनी है, ए की कार्य क्षमता 20 4 गुनी है, जिसके बारे में पता नहीं रहेगा उसको हम मान लिए एक, बी के बारे में पता नहीं, इसका 4 गुना 4 हो गया, ये क्षमता हो गया, क्षमता का आप उलट देते तो यहाँ समय निकल जाता, तो एक अनुपात कितना हो जाता, 4। कहता है ए 20 27 दिन कम लेता है, यहाँ 3 दिन कम लेता है, इसी 3 का वैल्यू 27 है, तो कहता है बी अकेला कितना दिन में करता, तो बी अकेला पूछ रहा 4 दिन में, ए अकेला पूछता तो 1 दिन में, या ऐसे यहाँ से भी निकाल लेते हैं, 3 के वैल्यू 27, 1 के वैल्यू 9, तो 9 4 के वैल्यू 36 हो जाता है, 1 के वैल्यू आपको 9 हो जाता है, यहाँ से देख लीजिए कितना दिन कम समय लेता है, 27 दिन कम समय लेता है। जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसको समय कम लगेगा, और जिसका क्षमता कम होगा उसको समय ज़्यादा लगेगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात, इस बार अनुपात दे दिया है, कार्य क्षमता का अनुपात आपको 5 अनुपात कितना दे दिया, 9। यहाँ से अगर आप समय निकाल लेते तो कितना आ जाता, 9 अनुपात 5 आ जाता। अब कहता है ए 20 36 दिन ज़्यादा लेता है, ए जो है 20 36 दिन ज़्यादा लेता है, यहाँ देखिए कितना दिन ज़्यादा लेता है, 4 दिन ज़्यादा लेता है, 4 दिन ज़्यादा लेता है। अब कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर पूछ रहा, अगर ए पूछता अकेला तो 9 गुना, बी पूछता अकेला तो 5 गुना, दोनों मिलकर कहता है तो आप ए या बी में से किसी एक का समय निकाल लीजिए। हम क्या किए, यहाँ से एक समय निकाल लिए, तो एक अगर निकाल लेते तो इसको काट देते 9 बार में, कितना आ जाता, 9 9 81 दिन। फिर से देखिए, कहता है कि ए और बी कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया, समय उलट देते समय का अनुपात आ जाता। आप देखिए, कहता है ए 20 36 दिन ज़्यादा लेता है, यहाँ 4 दिन ज़्यादा लेता है, इसी 4 का वैल्यू 9 36 हो गया, तो 1 की वैल्यू 9 हो जाता। आप क्या कीजिए कि ये दोनों में से किसी एक का समय निकाल लीजिए, हम ये निकाल लिए ए का समय, 1 81 दिन लगता है पूरा काम करने में, तो टोटल वर्क यहाँ से अगर निकाल लेते, 1 81 दिन में पूरा काम करता है, 1 दिन में अगर 5 काम करता, 81 दिन में पूरा काम करता है, ये अगर 1 दिन में 5 काम करता, तो टोटल वर्क 81 गुने 5 हो गया, तो दोनों मिल के कहता है तो टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, दोनों मिल के कहता है 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया, इसको आप भाग देते कितना आ जाता, 405/14 दिन। एक बार बता देता हूँ, ये क्षमता का अनुपात दे दिया, इसको उलट देते समय का अनुपात, कहता है ए 20 36 दिन ज़्यादा लेता है, यहाँ 4 दिन ज़्यादा लेता है, 4 का वैल्यू 36 हो गया। आप ए और बी में से किसी का समय निकाल लेते, हम यहाँ अगर इसका निकालते समय बी का, तो 5 से गुना करते, 9 5 कितना हो गया, 45। बी अगर 45 दिन में करता, 1 दिन में 9 काम करता, 45 9 405 हो जाता, तो दोनों मिलकर कहता है टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दे देते, तो दोनों मिलकर कर रहा है, तो 5 4 कितना हो गया, सॉरी 9 5 और 9 14 दिन हो गया। इतना समझ गए होंगे इस टाइप में, इस टाइप में आपको ए अकेला पूछ सकता है, या बी पूछ सकता है, या दोनों मिलकर पूछ सकता है, इससे पहले वीडियो में और बता चुका हूँ। अब देखिए, इसी में क्षमता पर आधारित दूसरा क्वेश्चन, देखिए अब इसी में देखिए थोड़ा सा, ये कहता है ए की कार्य क्षमता 20 आधी है, क्वेश्चन ये है ए की कार्य क्षमता 20 आधी है, इसका क्या मतलब है कि जितना बी होगा इसका आधा ए होगा, ए की कार्य क्षमता बी का आधा है, बी का आधा हो गया, तथा सी की कार्य क्षमता ए प्लस बी का, सी की जो कार्य क्षमता है, सी की जो कार्य क्षमता है, कहता है ए प्लस बी का आधा है,
सीख कार्य क्षमता ए प्लस बी का आधा है, ये दोनों मिला के जितना होगा इसका ये आधा क्षमता हो जाएगा। यहाँ से आप इफिशियंसी निकाल लेते, कहता ए की कार्य क्षमता 20 आधी है, ए की कार्य क्षमता 20 आधी है और सी की कार्य क्षमता ये दोनों के आधा है। ए की कार्य क्षमता अगर 20 आधी है, अगर इसको मान लीजिए कि हम 4 मान लिए तो इसका आधा ये हो जाता कितना 2। आप चाहते तो यहाँ से एक इसको मानते तो ये हाफ हो जाता, तो उसको आपका फिर तोड़ने में एलसीएम दिक्कत होता, तो हम ऐसा संख्या मान लिए कि जिसका आधा होता होगा। आप 8 मान लेते, 16 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, कुछ भी मान लेते, अब फिर ये दोनों जोड़ का आधा करते तो कट देना चाहिए, नहीं तो आप एक मानते तो ये हाफ हो जाता, फिर ये दोनों जोड़ की आधा करते थोड़ा दिक्कत होता। हम इसलिए कहता है एक कार्य क्षमता 20 आधा है, तो बी का अगर 4 मान लिए, यहाँ देखिए बी 4 मान लिए, इसका आधा ये कितना हो गया 2 हो गया। अब कहता है कि सीक जो क्षमता है ए प्लस बी का आधा है, तो ये 4 और 2 6 का आधा करते तो ये क्षमता कितना आ जाता 3 आ जाता। फिर से बता देता हूँ, कहता एक कार्य क्षमता 20 आधा है, इसको 4 मान लिए तो ये 2 हो जाता, सीक कार्य क्षमता ये दोनों का आधा है, तो आप ये दोनों ऐसा संख्या मानिए कि जोड़ के दोष कट जाना चाहिए, तो ये कट गया तो कितना हो गया 3 हो गया। अब कहता यदि सी अकेले किसी कार्य को 60 दिन में करता, सी अकेले अगर 60 दिन में करता और सी एक दिन में 3 काम करता तो टोटल वर्क कितना हो जाता 60 × 3, टोटल वर्क कितना हो जाता 60 × 3। तो कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करता, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, तीनों मिलके 4 × 3 = 7 और 2 कितना हो गया 9, इसको काट देते 3 हो गया, इसको काट दीजिए 20 बार में तो कितना दिन हो जाता 20 दिन हो जाता। हो सकता था कि इसमें आपको ये पूछता सीख दे दिया तो आपको बी पूछता या ए पूछता, इसी में कि आपको बी पूछ देता, पहले सी टोटल काम कितना 60 दिन में करता है, एक दिन में अगर 3 काम करता तो 60 दिन में 180 काम हो गया, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया 180 हो गया। आ यहाँ से अगर बी निकालते तो कितना हो जाता बी क्षमता, टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग देते तो आपको समय निकल जाता 15 × 15 = 3 कितना हो गया 45 दिन। इसी में आप ए निकालते, सी का दिया हुआ है कि 60, इसी में अगर ये निकालते तो टोटल वर्क पहले आप निकाल लेते, टोटल वर्क में एक क्षमता से भाग देते आपको समय निकल जाता ये 30 हो गया, 30 × 90 दिन। एक और बता देता हूं ये क्वेश्चन, कहता एक क्षमता 20 आधा है, एक क्षमता 20 आधा है, तो जब एक क्षमता 20 आधा है फिर कहता सी क्षमता ये ए प्लस बी का आधा है, आप अगर इसको एक मानते दिया हाफ हो जाता, दोनों को जोड़ते फिर आधा करते तो आपको परेशानी होता, इसलिए हम बी के 4 मान लिए, इसका आधा 2 हो गया। अब सी जो कार्य क्षमता ये दोनों का आधा है तो 4 × 2 = 6 का आधा करते कितना हो जाता 3 हो जाता। अब क्वेश्चन ये कहता है कि सी अकेला 60 दिन में करता है, किसी काम को 60 दिन में करता है, एक दिन में अगर 3 काम करता तो 60 दिन में 180 काम, इसका मतलब टोटल वर्क 180 हो गया। टोटल वर्क जब पता चल जाएगा, टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए तो आपको क्या होगा समय निकल जाएगा। कहता तीनों मिलकर इस कार्य के कितना दिन में करता, तो यहाँ से देखिए 4 × 3 = 7 × 2 = 9, 9 से भाग दे दिए, तीनों मिलकर इस कार्य को 20 दिन में करता। इसी में बी पूछता टोटल वर्क में बी क्षमता से भाग दे दीजिए, इसी में ए पूछता टोटल वर्क में आप एक क्षमता से भाग दे दीजिए। इसी क्वेश्चन में ऐसे कहता, इतना समझ गए होंगे, इसी क्वेश्चन में ये कहता कि तीनों मिलकर अगर 20 दिन में करता है, तीनों मिलकर अगर 20 दिन में काम करता है, ऐसे भी रह सकता है, यहाँ सीक जैसे दिया था कि सी अकेला 60 दिन में करता है, अगर ऐसे देता क्वेश्चन कि तीनों मिलकर इस काम को 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर जब 20 दिन में करता है तो एक दिन के पहले यहाँ क्षमता निकाल लेते तो 4, यहाँ देखिए 3 × 4 = 7 × 2 = 9 हो गया। टोटल काम अगर 20 दिन में करता, एक दिन में 9 काम करता तो टोटल वर्क कितना हो जाता 20 × 9। इसी में आपको ए पूछ देता, हो सकता है कि बी पूछ देता, हो सकता है कि सी पूछ देता, ऐसे पूछ देता, तो यहाँ से ए पूछता टोटल वर्क में आप एक क्षमता से भाग दे दीजिए, इसको 10 हो गया, 10 × 90 अभी निकाले थे जस्ट 90 दिन।
इसमें बी पूछ देता तो टोटल वर्क में आप अगर बी क्षमता से भाग दे देते, बी क्षमता कितना है 4, इसको काट दीजिए 5, 5 नमक कितना हो गया 45 दिन। इसी में हो सकता है सी पूछ देता, सी जैसे 60 था तो टोटल वर्क आप निकाल लेते, टोटल वर्क में सी क्षमता से भाग दे दीजिए, इसको काट दीजिए 3 बार में, तो 20 कितना दिन हो जाता 60 दिन हो जाता। इतना इसी क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे। पहले क्वेश्चन इससे पहले जो था बता दिया, इसी में ये कहता है कि ये तीनों मिलकर 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर जब 20 दिन में काम करता है टोटल वर्क पता रहना चाहिए, तो 4 3 7 2 9 हो गया, एक दिन में 9 काम करता है, तो 20 दिन में इसका मतलब 180 वर्क हो गया टोटल। टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए जिसका पूछेगा, एक पूछा ए से भाग दिए 90 आ गया, बी पूछा तो ये हो गया, सी पूछता सी से भाग दे देते। इसी में हो सकता था कि ए प्लस बी पूछता कितना दिन समय लगता है, ए प्लस बी डायरेक्ट, तो 1 + b 6 जोड़ देते। इसी में हो सकता है बी प्लस सी के, तो बी प्लस सी दे देते। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी में देखिए कहता है कि राम की क्षमता, यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का बताता हूँ। कहता है कि राम की क्षमता, क्वेश्चन देखिए, कहता है राम की क्षमता श्याम से आधी है, राम की क्षमता श्याम से आधी है, और मोहन की क्षमता, मोहन की जो क्षमता है कहता है राम और श्याम के क्षमता से आधी है, राम की क्षमता श्याम से आधी है और मोहन की जो क्षमता है ये राम और श्याम की क्षमता से आधी है। हम ये बोले कि इसके बारे में हमको पता नहीं है श्याम के बारे में, तो इसको आप कुछ मान लीजिए, लेकिन ऐसा मानिए कि जो कट का आधा हो जाना चाहिए फिर ये दोनों जोड़ के आधा हो जाना चाहिए, तो इसको हम 4 मान लिए तो ये कितना हो जाता 2, तो यहाँ से इसका कितना निकल जाता, ये दोनों का आधा है मोहन, तो ये 3 आ जाता, क्षमता निकल गया। कहता मोहन अकेले इस कार्य को 40 दिन में करता है, मोहन अकेले 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क आप निकाल लेते, मोहन अगर 40 दिन में समाप्त करता है और एक दिन में 3 काम करता है, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाता है 40 × 3 हो जाता। कहता है तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, तीनों मिलकर पूछ रहा है, इतिहास देखिए 4 3 7 और 2 कितना हो जाता 9 हो जाता, इसको काट देते तो ये कितना आ जाता 3 आ जाता, इसको आप तोड़ लेते तो कितना आ जाता 13 पूर्णांक 1/3 दिन। इस टाइप के पिछले वाले भी पिछला क्वेश्चन बता चुका हूँ, एक बार बता देता हूँ। कहता है हो सकता है कि आपको तीनों मिलकर दे देगा, तो ए पूछता बी पूछता या सी पूछता, बता दिए पिछले वीडियो में, राम की क्षमता श्याम से आधी है और मोहन की क्षमता ये दोनों क्षमता से आधा है, तो आप श्याम का ऐसा संख्या मानिए कि इसका पहले आधा राम हो जाना चाहिए और ये दोनों जोड़ का आधा करते, आप इसको 1 मानते ये हाफ हो जाता, फिर जोड़ के दोनों का आधा करते दिक्कत होता, तो इसको 4 मान लिए तो इसका आधा 2 हो गया, अब ये दोनों का आधा ये है तो ये 3 हो गया। तब कहता है कि मोहन अकेले 40 दिन में करता है, मोहन एक दिन में 3 काम करता है, तो 40 दिन में कितना काम करता 40 × 3, तो तब कहता है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता, तो यहाँ देखिए 4 3 7 2 कितना हो गया 9, 9 से भाग दे देते तो ये काट लेते कितना हो जाता। हो सकता है इसमें कि बी दे देता अकेला, बी का अकेला देता तब तीनों पूछ देता या सी पूछ देता, तो टोटल वर्क आप निकाल लेते, उसमें आप भाग दे दीजिए क्षमता से, तो आपको समय पता चल जाता।